हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 बुराई में अच्छाई। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। शिष्य, चेला, तर, गीला, शीतल, ठंडा, तृप्त, संतोष। तो ये थे शब्दार्थ जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे प्रश्न उत्तर। सो फर्स्ट, अपने गांव कौन जा रहा था? पूछ रहे हैं कि गांव में कौन जा रहा था। शिष्य अपने गांव जा रहा था, तो जो गुरु का शिष्य था वो अपने गांव जा रहा था। शिष्य ने रास्ते में जल क्यों पिया? रास्ते में जो शिष्य था उसने जल क्यों पिया था? सेकंड क्वेश्चन उत्तर, क्योंकि शिष्य को प्यास लगी थी। प्यास लगने के कारण ही जो शिष्य था उसने जल पिया था। जल पीकर गुरु जी ने शिष्य से क्या कहा? जब गुरु जी ने जल पी लिया था तो शिष्य से उन्होंने क्या कहा? गुरु जी ने कहा कि यह जल तो गंगा जल के समान है। तो जब गुरु जी ने जल पी लिया था तो शिष्य को उन्होंने कहा कि यह जो जल तुम मेरे लिए लाए हो वो बिल्कुल गंगा जल के समान है, कि उसके जैसा ही है। दूसरे शिष्य ने गुरु जी से क्या कहा? जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने गुरु जी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो यह जल ठंडा है और ना ही मीठा है। दूसरे जो शिष्य थे उनको वो जल ना तो मीठा लगा और ना ही ठंडा लगा, तो यह बात उन्होंने अपने गुरु जी के आगे रखी। जल कड़वा लगने के बाद भी गुरु जी ने शिष्य पर क्रोधित क्यों नहीं हुए? कि जब उन्होंने वो जल पिया था जो ना तो ठंडा था और ना ही मीठा था, फिर भी जो शिष्य थे के ऊपर जो उसके गुरु थे वो गुस्सा क्यों नहीं हुए, क्रोधित क्यों नहीं हुए? गुरु जी शिष्य के मन में प्रेम देखकर क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि जो गुरु थे उनको जो शिष्य था वो जो सम्मान अपने गुरु के लिए अपने मन में रखा था उसने, और जो प्यार अपने गुरु के लिए उसने रखा था, तो वो सब देखकर गुरुजी क्रोधित नहीं हुए थे। तो ये थे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। साथ के साथ आप लोग रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।